यही नानी है जो पता लगाई थी, जो कि गोद में ले ली है उनको। बहुत खुशी हो रहा है जाते हुए, क्योंकि हमारे हस्बैंड हमको मिल गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आके जहाँ खाना बनता है, यहाँ भाभी बातचीत कर रही हैं, कैसे क्या हुआ था। यही बात कर रहे हैं, या देखिए मौसी है, मौसी से वही पूछ रहा है कि मौसी देखिए इनको ऐसा करना चाहिए, नियम लोग क्या क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। यहाँ देखिए बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा था और भाभी को ठंडा लग गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। बारह बजे काला की खुली पनवा लगाइले मोबाइल भैया बाजत रहा, हमरे जागत रहे। सुन ना, 2 दिन का तुम स्टेशन पर तुम लोग चिन्ह लोग ना आए, हम चीज तुरंत चिन्ह गए, लेकिन वो नहीं चिन्ह ना, तो हम तुरंत चिन्ह ली, चिन्ह नहीं पैला हम, तब ढेर दिन से आयल ना, तब आईली तब कुर्सी दैली पानी उन्नी दैली पीला ना, तब बैठल ना, तब ना बतबो नहीं कैला, तब ना कहा तब कहबो नहीं कैला। ए मौसी, हम जाती नानी से मिल के खाना खाने आई, भोर से तो यार सुन जाए, चलो चलो। हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे चाय भैया पी रहे हैं और भाभी पी रही हैं कुछ। सुबह यहाँ पे आके हमको लगभग 2 घंटा हो गया है, और यहाँ पे हमको चाय नाश्ता भी मिला है। गुस्सा होकर जाते हैं अपने परिवार से, तो कहीं ना कहीं उसको बता दीजिए, भैया आपने बहुत गलती किया, गलती का परिणाम हम लोग भोगते हैं। भाभी समझ रही है कि भाभी का क्या बुरा हाल हुआ था। लाइफ में आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है, कुछ बोलिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, अभी भैया एकदम पूरा शॉक में पड़ गए हैं, और समझ सकते हैं कि यार होता है लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो बस क्या बोलूं, बस भैया मिल चुके हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग यही दुआ कीजिएगा ताकि इन लोग में अब झगड़ा ना हो, आपको अब परिवार अपना ख्याल रखिए अच्छे से। मतलब आपके एक छोटे गलती से मालूम है 10 दिन से घर में अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा। दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं कि कहाँ चला गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीजें। इतना दिन के बाद देखो कितना 13 दिन अच्छा है। मतलब भाभी जब रो रही थी, आपकी कपड़े ले ले रो रही थी, तो मतलब वो दिल पे लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि क्या हो जाए। आपकी बातें याद आता था, आपके साथ हम रहते थे, खाने के लिए लाते थे, ये चीज चाय ऐसे पिलाते थे, बाबू चावा पीला, तो मतलब कहीं ना कहीं यार कि डर लगने लगा। 1-2 दिन तो हम ही दोस्तों, हमें भी खुद, हम सोचते कि यार ये हमेशा हमको समझाते हैं, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते थे, तो ये हमको बोलते थे कि कहीं अगर खुश लगा तो चल जा। तो भाभी हमारे पास फोन की उस समय मुंबई हमसे, हमको लगा यार चलिए नाराज हुए होंगे, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। फिर 2 दिन तक हमको लगा कि याद आएंगे, फिर जब तीसरा दिन हुआ, मेरा जो हालत है, वीडियो हम नहीं बना लेते, अगर मोबाइल ना करने लगेगा, बस एक बात मोबाइल में तू ही कर, जवाब देता मोबाइल क्यों नहीं लेके आया, तू ही ना कर लू सज्जी, फोन पे गूगल पे सब इनके पास बांटे, सब पैसा ये खर्चा करता, ना तो हमारे पास ना गूगल पे रही, ना फोन पे रही, ना पेटीएम रही, मोबाइल ले गला, हमारे घर में 4 मोबाइल भाई, वो में से ले ले रहा था, जान गूगल पे फोन पे वाला छोड़ के दूसरा कौन ले ले रहा था, तो हमें मोबाइल की जरूरत नहीं डाले, हम कहीं अपन हम खुद जाइब, अपन हमारा दिमाग में समझ में आता, हम का जान हम कब हम का बताई, तो हम काम चोर रहनी, हम जंगर चोर रहनी, तो हम कहनी चल तू दो तीन दिन खर्चिन अपन जंगर चोरा लेता नहीं, ओकर बाद कर लेला देख ली सब कह लेला लोगन, तब देखी 3 दिन 13 दिन कितना गाना सूट भैया देखल चाहत रहनी, वह पूछती ना हम कितना गाना सूट भैया। अच्छा ये बताइए, घर में आप दिक्कत करके जाते हैं, वो औरत गाना सूट करेंगी, एल्बम सूट हो जाए, कहा तू एक बार बार कह तू ना जाता ना, तब पूरा एल्बम सूट कर लेगा, कम से कम 7-8 गो पेमेंट ले ले रही गाना के, सारा वापस कर लिया। आपको सोचना चाहिए, अगर कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ के चले जाता है तो क्या वाइफ काम करेगी जी, ये बार बार कह रही थी भाई। अच्छा ये बताइए, अगर अगर आपको वो बात बोल नहीं रहोगे तब भी हम कर लेंगे, जब हम कहते हैं हम नहीं, अब करी तो नहीं करेगा, तो जरूरी काम जरूरी है, गाना शूट करना जरूरी है, हम नहीं करेंगे। पैसा किससे आता है? अच्छा ये बताइए, सुनिए, पैसा किससे आता है? दूसरे गाना से आता है, तो आपके साथ शूट करते थे, अब नहीं करेंगे, बात खत्म।
बताइए आप, सबसे बड़ा आपका गलती है क्योंकि बच्चे का भविष्य होता है। भाभी ने बोला कि जाकर फीस जमा कर दीजिए, आराम नॉर्मली गए होते जमा कर दिए होते। फीस तो जमा हो गया था यार, फीस में कौन बड़ी बात थी, उसमें कौन हाँ नहीं चढ़ा। अच्छा ये बता, इतना बड़ा आप कदम उठा लिए थे? केवल फीस का मैटर नहीं है भाई, तू नहीं समझ रहे हो, खाली फीस वाला बात नहीं। आप अब इतना बड़ा कदम उठा लिए, अगर अचानक भाभी का तबीयत खराब हो जाता, हार्ट अटैक आ जाता, कुछ हो जाता तो आप उसमें क्या करते? उससे बेसी झगड़ा होता रहा, मार पीट ये सब हो जाता रहा, चौराहा पर मने तमाशा देखत रहा है। तो ये ना घर छोड़ के भागना, वो दिन पता नहीं इनके दिमाग में कौन सी जाल तोड़ दिमाग में, तू घर छोड़ के निकल लेगा ना, हमसे बता लेता कोनो अगलिया बगलिया कोनो बता दे ले रहा। तू सबके समनवा खोल खोल कहता रू, एकदम देख ला लोगन जांगर चोर चोर बैठल वाला घर में कोनो काम चिल्ला कहता रू, चोर आप तो नहीं कहता रू, अपन गलती तो नहीं देबू। कैसे कर दी वहा दिन कहा तू मूंगफली बेच पड़ना है तो उसे बढ़िया छोड़ दे तने मूंगफली बेच, सबसे ज्यादा कहा तू ये देखा हो लोगन मूंगफली बेच। तू निकाला कि हमरा तो सब छोड़ के चलते मूंगफली बेचे, तो हम कहिए बुआ देख आई पुआ रिया पापा मूंगफली तो चोर आप चिल्ला चिल्ला कहबू तो अच्छा। वो दिन सेटअप पे बोला तड़ू, जब हम कहता नहीं सब हम काम करा डायरेक्शन करा थी तो सेटअप पे चला, सब कॉलिंग मान के चला, सब हम गलत, सबके सबके सामने बेइज्जत डायरेक्शन के काम करेनी, डायरेक्शन के काम करेनी, यहाँ तक की स्टोरी तक हम बतावे नी, फिर सब एडिटिंग एक्टर के भी काम हम ही करेनी, उसमें एक्टर में। तो दोस्तों फाइनली अभी सीन है कि भैया जहाँ गए थे मौसी जी का घर, भाभी लेकर जा रही है, इधर नाना जी है, और यहाँ पे हम लोग की लगी है गाड़ी। पहले पढ़ ले जाइए, खाना नहीं खाए गया, इसने आए बा, इसने आए बा, हाय दूध खाना तो खा हो जाए का मान लो, ये लोग जाता रहा हम लोग। आपकी गाड़ी याद नहीं आ रही है कहाँ भैया? नेपाल में मिल गए, जा रहे हैं जहाँ पर नानी के घर पे मिले थे, और वहाँ पे जा रहे हैं कि मतलब नानी से पूछते हैं क्या हुआ था इनके साथ। तो देखिए अब हम लोग निकलने जा रहे हैं और इनको भी लेकर जाएंगे, भैया को भी। देखिए दोस्तों यही नानी है जो पता लगाई थी, जो कि भाभी गोद में ले ली है इनको, जो की उम्र भी देख सकते हैं बहुत ज्यादा हो गया है, 80 साल हो गया ना। तो आर्यन से लहले आप चाहे ना संगरिया, मैं तो ये संगरिया नहीं कहाँ ले जाएगा? अरे 5 बजे बैठी है, कैसे बतिया ये बा कहाँ ले जाएगा? जाए कहाँ थी वहाँ? तो वो पुरानी आदमी के नए परेशानी कहाँ परेशानी, इन्हें परेशानी नहीं है कहाँ जाए कहाँ थी नानी? वो तो कहता रहा लेकिन पर बात जगह कैसे ले जब कहां कहां रुक वो समझत होना पे रोटी आज भाई नीचे जगह यो चार मन कैसे कैसे समझ के खुद अड़सा है समा चार जने बाड़ी बूढ़ा नहीं सुना ना इनके का कर डिग्गी में भर देते आज डिग्गी में ऐसा जब उनका आईला नहीं सब ऐसा कुछ और बिना में बैठे वाला काम नहीं कहिएगा कहीं के डिग्गी में भर एक बार नहीं बाबू के बारे जाए खाती। तो अब हम लोग जा रहे हैं नेपाल से घर के लिए, और यहाँ देख सकते हैं भैया को हम लेके बैठे हैं, और राधे राधे बोलते निकल के, और यहाँ भाभी हैं, हमारा ड्राइवर भी हम भी जा रहे हैं, और बहुत खुशी हो रहा है जाते हुए क्योंकि हमारे हस्बैंड हमको मिल गए हैं, तो हम जा रहे हैं, और हमारी बच्ची अब हॉस्पिटल में है, भर्ती है, डायरेक्ट हम लोग वहीं पे जाएंगे। थोड़े दूर के अंतर बाद, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आदमी पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे भैया, मतलब जो भी आप मामा जो भी लगेंगे, हम अपने यही समय निहाल साइड में है, यहाँ पे आज से 17 साल पहले हम व्रत किए थे, नेपाल में कोई नहीं जान रहा था छठ पूजा क्या होता है,
तो हम पहली मतलब यहाँ व्रत जब किए थे ये नहीं थे, हमारे घर का कोई नहीं था, हम अकेले आए थे यहाँ पानी पे, वहाँ जो भी है वहाँ पे हम खड़े थे। शाम को तो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन भोर में जब आए थे सब औरतें सोच रही थी कि कोई टोना टोटका कर रही है, मतलब उन लोग को नहीं जान पा, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज के समय में देखिए कितना मतलब ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, पुल बन गया। सबसे बड़ी बात ये है 40 आदमी इधर है, 8 आदमी उधर है अभी। उसके बाद हम लोग नाच भी कराते हैं सबसे अच्छा, पूरा बकायदा से यहाँ पे हम लोग। अच्छा, नेपाल में मतलब छठ है एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। घोराई नाला है, देखो घोराई नाला है। हाँ। घोराई देखो हम कहे ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे घोराई नाला लिखा गया है। आज भी औरतें मतलब नहाती है यहाँ पर, यहाँ पे पूजा पाठ जो होता है यहाँ का पानी भी लेके जाते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ का सब हर एक चीज नेचुरल है, क्या भाभी? हर चीज नेचुरल है। और यहाँ पे देखिए दादी अम्मा, वो दादी जो भी है, देखिए नहा रही है, धुल रही है कपड़ा। आज के जमाने में भी नेपाल ऐसा गरीब देश हमने नहीं देखा कभी।